आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की चटनी, जो कि बहुत हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसको रोटी के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने लिया है 1 कटोरी मटर जो कि छिले हुए, 8 से 10 लहसुन, 8 से 10 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, स्पाइसी या कम खाते हैं। और जीरा और ऑयल, मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और गर्म हो चुका है। और इसमें मैं अब हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैंने लहसुन को तो तल ली, ब्राउन थोड़ा सा ऑयल में तल लिया है। अब मैं हरी मिर्चियों को भी ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन होना है, इनको भी हम तलेंगे इस तरीके से अच्छे से 2-1 मिनट के लिए। अब हम इसी तरह मटर को भी फ्राई करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, आधी चम्मच। हमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है कि हमारी मटर, सारी मटर, मिर्ची, लहसुन सिक जाए। तो मटर को भी हमें थोड़ा थोड़ा सेंकना है, थोड़ा सा वो सिकने में उनका थोड़ा कच्चापन चला जाए। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से सेंकना है। ये देखिए, हमारी मटर भी सिक चुकी है। अब इसी तरह हम लहसुन को भी तलेंगे। सारी चीज़ हमने एक प्लेट में निकाल ली है, ये देखिए। और हमने सारा मिक्स लिया है, लहसुन, मटर और हरी मिर्च। अब इसको हम थोड़ी सी देर, 2 मिनट के लिए ठंडा होने रख देंगे, फिर हम मिक्सर में इनको पीसेंगे। ये देखिए, हमने जार में सारा सामान ले लिया है। अब इसको हम ग्राइंड कर रहे हैं, सोन कर लिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, हमारी सारा सामान ये हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, ये देखिए। अब इसमें हम कढ़ाई में हम ऑयल डाला हमने बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। और अब हम इसमें जीरा डालेंगे, ये देखिए, जीरा हमें 1 चम्मच डालना है। अब इसको हम जीरे को अच्छे से चटकाएंगे और फिर हम इसमें सारा ये डाल देंगे। ये देखिए, देखिए, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से। अच्छे से हमें इसमें मिलाना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें 1 चुटकी भर नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना, आपके टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 चुटकी नमक डाला है मेरे टेस्ट अनुसार, ये देखिए। अब इसको 1 मिनट तक हमें अच्छे से पकाना है इसी तरह। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है और हमारी चटनी तैयार बनकर। अब हम इसमें प्लेटिंग में निकालेंगे। ये देखिए, हमारी मटर की चटनी तैयार है बनकर। ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ सर्दियों के मौसम में। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा।